कोई और मोड भी है इसमें क्या? बेकार बेकार कहते हैं ना जिसको, बस वही है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, ठीक है। सो वर्कआउट का शूट कर ही नहीं पाए और शाम को व्लॉग शूट कर रहे हैं। कल हम दोनों, ये साथ में हर्ष अपने गाड़ी चला रहा है, और कल का हम सोच रहे थे कि यार गाड़ी डिसाइड करी ही नहीं है अभी कोई भी। सो गाइस आज हम जा रहे हैं महिंद्रा और देखेंगे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज स्कॉर्पियो एन, और देखेंगे उसके साथ एक्सयूवी 700, दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि बेटर क्या लगता है इनमें। फिर जो भी यहाँ से पास होगी तो उसको कंपेयर करेंगे हम लोग, देखेंगे एक बार। कि यूट्यूब पे देखा मैंने बहुत ज़्यादा कि फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो एन को कहते हैं कि दोनों बराबर ही है, तो अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों का, फिर दोनों को कंपेयर करना बनता है एक बार। वही देखने जा रहे हैं भाई, बराबर कैसे हो सकती है स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर, आप क्या बात कर रहे हो। चलो लोग बना रहे हैं तो देखना बनता है एक बार, ठीक है। कंपेयर करके देखेंगे और जो सही होगा वही खरीदेंगे। निकलता ना बाहर नहीं सर। ओके, और ये को प्लास्टिक यूज कर दिया पर इन्होंने यहां पे एक्स्ट्रा रेटिंग आई है सर। एक मिनट रुको, पहले इसका बताओ मुझे मोड का क्या। तीन मोड्स मिलेंगे आपको। अच्छा, जिप जैप जूम। जिप आपका सिटी के लिए प्रेफरेबल होता है। अच्छा। जैसे आपका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। हाँ। फिर आ जाता है एक नॉर्मल मोड आ जाता है जैप, ये नॉर्मल मोड पे चलेगा, एक्टिव हो गया। हाँ जी, हाँ ये जैप पे एक्टिव। अच्छा। हो गया। और अगर आप इसको जूम पे करेंगे तो उसका स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जाएगा हाईवे के लिए। हाँ, और आपकी परफॉर्मेंस आपको फुल मिलेगी। और ये हिल डिसेंट। हाँ जी, ये हिल डिसेंट। ये ट्रैक्शन, ये ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए। ये सब फ्रंट कैमरा, इसमें आपको फ्रंट कैमरा शो हो जाएगा। और ये SOS कैसे है? ये सर अगर कहीं इमरजेंसी में अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉल कर देता है। एयर बैग कितने खड़े? 6। दो तो फ्रंट हो गए, फ्रंट में आ गए, दो या साइड पे आएंगे और दो बैक साइड पे आएंगे। ओके, आइडल स्टॉप में होती है। जैसे आप ट्रैफिक वगैरह में खड़े होते हैं ना, जैसे आप ब्रेक से पैर उठाएंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये फंक्शन ऑन था। ओके, तो भी स्टार्ट पुश स्टार्ट। योर व्हीकल इज रनिंग ऑन लो फ्यूल, प्लीज रिफिल। कोई और मोड भी है इसमें का? रखो वो तो कोई नहीं। ऑफ रोड ही कर पाएगी गाड़ी? सोना तो बहुत है भाई, मैंने नहीं, मैं कह रहा दूसरी की लेते, इसका तो पता चल गया मुझे। ये मैनुअल तो नहीं होगी? नहीं, कभी नहीं होगी ये, अब वही मैनुअल आपको करना। वो चौथा आ रहा ना आपको, कैसे चेंज करना गियर? बस ये ऊपर कर देना, चलाओ चलते चलते ही। हाँ बस ये हमने कर दिया, वहाँ 5 रुपये ऑटो में डाल। सो भाई जी स्कॉर्पियो एन भी देख ली और चला के भी देखी, और अभी मुझे क्या ही बताए यार।
और अभी मुझे पता चला कि स्कॉर्पियो का नाम ही रह गया यार, बेकार बेकार कहते हैं ना जिसको बस वही है। और 700 का तो मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग में लाने के लिए। इसके बाद हम लोग यार मन उठ गया सारा, फॉर्चुनर ही देखेंगे इसके बाद, क्योंकि ये बात नहीं बनेगी। बस इनकी थार ही ऑफ रोडिंग सही रह गई है, गाड़ी थार सही है, ठीक है, जो गाड़ी सही है उसको सही करना। भाई इतनी ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन थी ना स्कॉर्पियो एन के साथ कि मतलब बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठे सारी गाड़ी वाइब्रेट कर रही इतनी ज्यादा। यार गाड़ी देखने में इतनी सुंदर अंदर से, मैंने कहा यार ये तो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने, सारा इंटीरियर का ये है वो सारा कुछ लगा दिया, 4x4 भी दे दिया और हिल डिसेंट सब कुछ दे दिया उन्होंने, पर चला के देखी तो कुछ भी नहीं था गाड़ी के अंदर। और इसकी कॉस्टिंग रहने वाली थी, जो 4x4 इनका वेरिएंट है, अपने को 4x4 ही चाहिए, नियर अबाउट 29 लाख के करीब गाड़ी पड़ जाती है ऑन रोड ये। हाँ, और जो दूसरी नॉर्मल वाली है विदाउट 4x4 ऑटोमेटिक है जो, वो 24-25 नियर अबाउट थी। इट्स नॉट वर्थ इट यार, ऐसे पैसे वेस्ट है। थोड़े दिन अच्छी लगेगी देखने में पर चलाने में अच्छी नहीं होगी। और यार सबसे बड़ी बात अपने को चाहिए सेफ्टी, बड़ी दब दब के चल रही थी यार गाड़ी, इतने ज्यादा मोड़ दे दिए अंदर, सारे मोड़ में मैंने ट्राई करके देखा कि यार कैसे, कुछ भी नहीं था। गाइस आज का वेदर देख लो कितना सही बन गया हुआ, बट ये इतना ब्लाइंड हो गया आज की, आगे कुछ दिख नहीं रहा कि बंदा चलो थोड़ा आराम से गाड़ी चलाए। थोड़ी विजिबिलिटी कम हो गई आज, फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है शाम में। सो हम लोगों ने सोचा कि महिंद्रा की कोई गाड़ी नहीं लेंगे फिलहाल, कुछ और देखेंगे अगली बार। अब मेरा कुछ अगला प्लान ये है कि टोयोटा में जाएंगे अगली बार, फॉर्चुनर देखेंगे उसका क्या रिव्यू मिलता है चला के, फिर उसके बाद लैंड रोवर देखेंगे, जो भी सही लगेंगे कंपेयर करके देखेंगे उनको। और आज सुबह का वर्कआउट भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, और कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि यार हमें डाइट का टिप वगैरह चाहिए या कुछ भी है, सो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़ा टाइम रुक के। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग वर्कआउट में, गुड नाइट।